दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर शुक्रवार को वर्षा के कारण मैच काफी देर से शुरू हुआ था। इस दौरान रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाड़ियों के साथ उनके ड्रेसिंग रूम में समय व्यतीत किया। इस दौरान केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, केएस भरत, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती समेत कई खिलाड़ियों के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के केकेआर के सहायक कोच अभिषेक नायर के बातचीत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अब शनिवार को की एक और तस्वीर प्रसारित हो रही है, जिसमें वह केकेआर के खिलाड़ियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि रोहित मुंबई इंडियंस की टीम में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर एक बार फिर से उनके केकेआर से जुड़ने की अटकलें तेज हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को रोहित का एक वीडियो में नायर के साथ बातचीत करते दिख रहे थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि रोहित कह रहे हैं कि मुंबई के साथ उनका यह लास्ट सीजन है। ये वीडियो पहले केकेआर के एक्स हैंडल से साझा किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद यह तस्वीरें आई है जिसने रोहित के मुंबई में बने रहने पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 की शुरुआत में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था। इसके बाद से ही मुंबई की स्थिति ठीक नहीं है। टीम दो हिस्सों में बट गई है, कुछ खिलाड़ी रोहित के साथ है तो वही कुछ खिलाड़ी पांड्या के साथ है। पांड्या के साथ ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी है, वही रोहित को भारतीय खिलाड़ियों का साथ हासिल है। इसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ता दिख रहा है। 5 बार की विजेता मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। दोस्तों क्या रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है कैप्टेंसी छीन के? क्या रोहित को एमआई का साथ छोड़ देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।